हेलो दोस्तों, मैं सचिन गिरी, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एजी ऑफिस हैदराबाद। मेरा सिलेक्शन डबल ओ पोस्ट के लिए रिसेंटली जुलाई 2018 में हुआ है SAS एग्ज़ाम से। SAS मतलब सबऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विसेज। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से आज SAS एग्ज़ाम के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो लोग SAS एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको शायद कुछ मदद मिल सकती है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम, SAS एग्ज़ाम की खासियत क्या है। इस एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, इवन DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर तक भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और सबसे ख़ास बात इस एग्ज़ाम की यह है कि आप जूनियर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं मान लीजिए आप, तो आप एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट पर जब आते हैं तो आप दो पोस्ट को क्रॉस कर जाते हैं, ऑडिटर एंड सीनियर ऑडिटर, और आप सीनियर हो जाते हैं। ठीक है, ये तो इस एग्ज़ाम की खूबसूरती है। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। इस एग्ज़ाम में 9 पेपर्स होते हैं जो कि दो ग्रुप में होते हैं, ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। ग्रुप वन में 5 पेपर्स होते हैं आपके पास, ग्रुप टू में 4 पेपर्स होते हैं। ग्रुप वन सबके लिए कंपलसरी होता है, यानी कि पेपर वन से लेके पेपर 5 तक सबके लिए कंपलसरी है, जिसमें कि 5 पेपर्स में आपके होते हैं। पहला पेपर, फर्स्ट पेपर आपका होता है लैंग्वेज, जो कि आप मोड चूज करते हैं एग्ज़ाम में। आप हिंदी ले सकते हैं या आप इंग्लिश ले सकते हैं। अगर आप हिंदी लेते हैं तो फर्स्ट पेपर आपको हिंदी लैंग्वेज में देना है, अगर आप इंग्लिश यूज़ करते हैं तो आपको पहला पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में देना है। मतलब रिटन में आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग जो करना पड़ेगा, टाइपिंग भी होता है फर्स्ट पेपर में, उसमें टाइपिंग आपको हिंदी या इंग्लिश में करनी पड़ेगी, जो भी आप मोड चूज़ करोगे। ठीक है, सेकंड पेपर इसमें होता है मैथमेटिक्स का, जो कि जनरल मैथमेटिक्स आता है, बहुत हाई लेवल का नहीं आता है। जनरली जो लोग SSC वगैरह से आए हैं सारे पास होकर, उनको इंग्लिश फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, थोड़ा बहुत पढ़ने से पास हो जाता है। थर्ड पेपर आता है आपका IT थ्योरी का, जिसमें थोड़ा पढ़ना पड़ता है। अगर आपका IT बैकग्राउंड नहीं है तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ऐसा नहीं है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, थर्ड पेपर IT थ्योरी, जिसमें आपको थोड़ा पढ़ना है। फोर्थ पेपर होता है IT प्रैक्टिकल। IT प्रैक्टिकल में आपका होता है कंप्यूटर का, जैसे कि आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, MS Access आता है इसके अंदर। ठीक है, तो 25-25 करके कुछ 25 कुछ 35 मार्क्स का रहता है एक एक टॉपिक, जैसे वर्ड 25, एक्सेल 35, इस तरीके से। वो भी हम सब लोग थोड़ा कंप्यूटर वगैरह पहले से करे हुए रहते हैं मैक्सिमम लोग, तो इजी पास हो जाता है। ठीक है, 5 पेपर जो कि बहुत अच्छा पेपर है, 5 पेपर आता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन सर्विसेज के नाम से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, CAG के बारे में आता है, थोड़ा DPC एक्ट जब आप लोग पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि CAG वर्क कैसे करता है, कैसे ऑडिट किया जाता है, तो किस सेक्शन के थ्रू हम लोग ऑडिट करते हैं, एक्सपेंडिचर होता है, रिवेन्यू होता है, उसको हम कैसे ऑडिट कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप उसमें पढ़ते हैं। और उसके साथ आप उसको उसमें पढ़ते हैं रूल्स रेगुलेशन जो ऑफिस के संबंधित होता है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करना है, क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं करना चाहिए, जैसे कंडक्ट रूल्स होते हैं आपके, कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय दारू पी के ऑफिस नहीं जा सकता है, ऐसी चीज़ें सब आप उसमें पढ़ेंगे। शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब क्या क्या आप नहीं कर सकते हैं या क्या क्या आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो आपको सारा पेपर 5 में पढ़ने को मिलता है। उसके साथ आपका लीव में आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आप ऑफिस में कौन सा लीव मिलता है आपको, किस लीव के लिए कितनी वैलिडिटी होती है, किससे अथॉरिटी होती है सिग्नेचर कराने की, ये सब आप बहुत अच्छे से पेपर 5 में पढ़ते हो। लेकिन बहुत इजी पेपर है PC5, पेपर 5 जो है आपका बहुत आसान है, आराम से पास हो जाता है। उसके बाद आता है ग्रुप 2, जो कि थोड़ा जनरली टफ माना जाता है, ग्रुप 1 के अकॉर्डिंग ग्रुप 2 थोड़ा टफ माना जाता है। ग्रुप 2 में आपका पेपर होता है PC8 के नाम से होता है, वो होता है फाइनेंशियल एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स। इसमें पेपर बहुत अच्छा है, मैं पढ़ा इसको तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये पेपर, क्योंकि इस पेपर में आपको सारा गवर्नमेंट का एक जो तरीका है काम करने का वो पता चलता है। अगर हम कभी जैसे हम लोग जब मैं नहीं पढ़ा था तो मेरे मन में भी क्वेरीज रहती थी, यार गवर्नमेंट इतना पैसा अलॉट करती है, फंड देती है, कैसे खर्च होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये सब आप पेपर 8 में पढ़ने को आपको मिलता है। एक स्टोरी बेस है,
आप पढ़िए और आपको ऐसा लगेगा अरे यार स्टार्ट हुआ एंड होने तक आपको बहुत मज़ा आता रहेगा पढ़ने में, और बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने के बाद। PC 8 आपका बहुत अच्छा है, जिसमें कि DDOs कैसे पास करेगा आपका, बिल लगाते हो ऑफिस में कोई सा, किसी भी चीज़ का मेडिकल का बिल लगाते हो, वो सारी सर्विसेज का बिल कैसे पास होते हैं, गवर्नमेंट ने कोई फंड अलॉट किया, बजट अलॉट करती है गवर्नमेंट, ठीक है, बजट जब अलॉट कर रही है तो वो ऑफिस तक कैसे आ रहा है। गवर्नमेंट तो बोलती है ना कि 10,000 करोड़ रुपये इस स्कीम के लिए मान लीजिए हेल्थ के लिए मिले हैं, लेकिन हेल्थ में छोटे छोटे कैसे आया है, वो कैसे डिवाइडेशन हुआ उसका, ये सब आप पेपर 8 में पढ़ने को मिलता है आपको, जो कि अच्छा पेपर है, ठीक है। इसके बाद आता है PC 14 के नाम से, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्टिंग, ये बहुत अच्छा पेपर है। कॉमर्स जिसका बैकग्राउंड है उसके लिए कुछ भी नहीं है पेपर, उसके लिए कुछ नहीं है सच में, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है PC 14 के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए। इसमें कॉस्टिंग कभी ज़्यादा पूछता है, कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़्यादा पूछता है, तो इस तरीके कॉम्बिनेशन रहता है। लेकिन हाँ, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो आपको मैथमेटिक्स की तरह थोड़ा सा इसमें भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब ये पेपर आपका आराम से निकल जाएगा। उसके बाद आता है PC 16, जो कि है पब्लिक वर्क्स अकाउंट, जिसको बोलते हैं CPWA, जो सबसे ज़्यादा टफ पेपर माना जाता है। अगर SAS में किसी का ज़्यादातर पेपर फंसता है 9 पेपर में से, तो वो PC 16 ही है। लेकिन मैं अगर पास हो गया हूँ इसलिए मैं नहीं कह सकता ऐसा कि बहुत आसान है या ये है, लेकिन हाँ इतना भी टफ नहीं है जैसा लोग सोचते हैं, जैसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है पेपर, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान पेपर है। आप उसमें थोड़ा सा मैंने जो ऑब्जर्व किया ना, वो ये लगता है कि लोगों को क्यों वो टफ लगता है, उसका रीज़न ये है कि एक थ्योरी रहता है, वो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता एग्जाम में। एग्जाम में जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आपको बताएगा आप इस फंड को इस फंड में यूज नहीं कर सकते, ऐसे उसने बोल दिया, ठीक है। जैसे कि आप उसने बोल दिया एक्सपेंडिचर को आप रिवेन्यू में यूज नहीं कर सकते, जो या आपको जो रिवेन्यू आया है उसको आप एक्सपेंडिचर में यूज नहीं कर सकते, अगर ऐसी चीज़ें आपसे वो बोलता है तो लाइन तो सिर्फ एक बुक में इतना लिखा है, लेकिन अगर जब वहाँ पे डिपार्टमेंट बोलता है पुलिस डिपार्टमेंट का, आपको कोड दे देगा एक, आपको कोड भी याद होगा उसमें पुलिस डिपार्टमेंट का है, उसको खर्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मतलब थ्योरी से हटके थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछता है, इसलिए थोड़ा टफ लगता है वो, लेकिन इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और पेपर आता है, जो उसको बोलते हैं PC 22, जो कि है गवर्नमेंट ऑडिट के नाम से, ठीक है। ये पेपर बहुत अच्छा पेपर है, अगर मैं समझता हूँ पेपर 5 जो मैंने आपको बताया, उसके बाद पेपर 22 जो आपको बता रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट ऑडिट, तो जो अगर SAS एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के इस पेपर के थ्रू आपको एक बेसिक नॉलेज ऑफिस की मिल जाती है, ऑडिट में क्या होता है कैसे होता है, इसलिए इस मायने में गवर्नमेंट ऑडिट बहुत अच्छा पेपर है। थोड़ा लेंथी पेपर है, बड़ा पेपर है, मतलब बड़े से मतलब बुक्स ज़्यादा हैं पढ़ने के लिए, टॉपिक्स कुछ ज़्यादा टॉपिक्स हैं, ठीक है, 12-13 बुक्स हैं एक सिर्फ एक सिंगल पेपर के अंदर, इसलिए इस पेपर को भी थोड़ा बड़ा पेपर माना जाता है, ठीक है। उस तरीके से मैंने आपको पूरा टोटल 9 पेपर्स बताया, जिसमें कि मैं समझता हूँ इसके लिए आपको 6 मंथ काफ़ी है, 6 मंथ में आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे सच में। 9 पेपर्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें कि आपका पेपर मैंने आपको फर्स्ट बताया जो कि इंग्लिश का पेपर है, पेपर सेकंड बताया जो कि मैथमेटिक्स का पेपर है, एक पेपर फोर्थ बताया मैंने आपको जो कि IT प्रैक्टिकल का पेपर है। इन 3 के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इवन एग्जाम से 10-15 डेज अगर आप पहले इसको देखते हो तो भी आप पास हो जाते हो, इसलिए आपके पास पेपर बचते हैं 6 पेपर, 9 में से 6 पेपर बचते हैं जो आपको थोड़ा पढ़ना है, जिसमें कि PC 5 मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम सब लोग SSC से आए हुए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा भी जानते होंगे कुछ लोग, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद इसी पेपर में PC 5 में आपके पास आता है एक रेगुलेशंस रूल्स जो आते हैं, जो कि जो मैंने आपको लीव वगैरह के बारे में बताया, कैसे हम LTC पे घर जा सकते हैं, घर जाते तो हमको क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, जॉइनिंग टाइम हमको कितने दिन का मिलता है, इस तरीके की चीज़ें सब रहती हैं, तो जो आपको मतलब एग्जाम से हटके भी आनी ही चाहिए, ऑफिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको आनी चाहिए, ठीक है, तो वो इसलिए पढ़ने में उसको मज़ा आता है, ठीक है, तो मज़ा आता है, तो पेपर अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि हम एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं या जनरल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए पेपर में हार्ड नहीं होता है। पेपर 8 जो मैंने आपको बताया वो बताया बिल्कुल स्टोरी है, गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर है
अगर आप जानना चाहते हो यार गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, इतना हमको लगता है ना इतना गवर्नमेंट यार कैसे काम करती होगी, इतना हाई पोस्ट पे बैठे बैठे लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो इसको इसमें आपको पेपर 8 में अच्छे से पता चलता है। इसलिए पेपर 8 भी बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। पीसी 14 मैंने आपको बताया अकाउंटिंग है, पीसी 16 आपको बताया पब्लिक बस अकाउंट है, जो कि बहुत इजी पेपर है। इजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को टफ लगता है, लेकिन इतना टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑडिट पीसी वाइज मैंने आपको बताया है, गवर्नमेंट ऑडिट भी अच्छा पेपर है, उसमें भी आपको पता चलता है कि ऑडिट कैसे होता है, किस तरीके से होता है, किस किस चीज़ का हम ऑडिट कर सकते हैं, किस चीज़ का हम ऑडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरे 9 पेपर बताए, पूरे SAS की तैयारी बताई कैसे होती है। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पेपर 9 बहुत जल्दी निकल जाते हैं, कुछ लोगों के बहुत लेट तक नहीं निकल पाते हैं। उसका रीज़न मैंने दिया है, मैंने सेकंड अटैम्प्ट में निकाला है, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरे 7 पेपर हुए थे, सेकंड अटैम्प्ट में मेरे 2 पेपर्स रह गए थे, जो कि अकाउंटिंग का पेपर था और एक मेरा गवर्नमेंट ऑडिट का पेपर रह गया था, ठीक है। इसके लिए आपको तैयारी के लिए करना है, मैंने जैसे बताया 3 पेपर में आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, उसके बाद 6 पेपर में से आपको PC5 PC8 या आप जब सिलेबस देखेंगे तो मैं बार बार आपको PC5 PC8 बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही शॉर्टकट SAS में चलता है, ठीक है। आप जब सिलेबस देखेंगे तो आप खुद इसी लैंग्वेज में बात करेंगे, इसलिए मैं पूरा नाम नहीं लेना चाहूँगा बार बार, थोड़ा लंबा भी हो जाता है, इसलिए आप PC5 हाँ बेटा एक मिनट हाँ PC5 और PC8 जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा 5 पेपर्स तक कंप्लीट हो जाता है आपका, 3 प्लस 2 पेपर्स, ठीक है। तो आपको 4 पेपर थोड़ा पढ़ना पड़ता है जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके बाद बस मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मन से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरा सेकंड टाइम में निकला है, लेकिन समझता हूँ मैं ऐसा कि फर्स्ट टाइम में ही 9 के 9 पेपर निकल सकते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तब, लेकिन तैयारी आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप लोग मेरे वीडियो से कुछ अगर आपको फ़ायदा मिल सके तो बहुत अच्छा है। और लास्ट में मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट, बाय।